हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। गाइस, आज मैं आपको बताऊंगी स्क्रीन रिफ्रेश रेट कैसे आप सेटअप कर सकते हो। सो गाइस, मतलब कैसे आप इसको बढ़ा सकते हो। वही अगर इस मेरे पास है लावा का फ़ोन है फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो गाइस, सबसे पहले आपको सेटिंग को ओपन कर लेना है। एंड सेटिंग को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर दिखता है डिस्प्ले का ऑप्शन, एंड आप उस पर जाना है। उसके बाद आपको ऐसे स्क्रॉल करना है, तो आपको ऐसे और स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ दिख जाता है स्क्रीन रिफ्रेश रेट। एंड आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ दिखता है हाई और स्टैंडर्ड। अपने हिसाब से जो भी आपको रखना है वो कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो वैसे मैं हाई पे रख रख के, अब स्टैंडर्ड में आपको 96 60 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले दिख गया था, ये इधर 90 हर्ट्ज़ का। सो वैसे मैं तो 90 हर्ट्ज़ का रख रही, तो वैसे ऐसे जितना बड़ा होगा उतना ही अच्छी क्वालिटी आएगी फ़ोन में। सो वैसे ऐसे आप यूज़ कर सकते हो, स्क्रीन रिफ्रेश रेट जो है चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। बस इसके एक्स्ट्रा मैं और भी सेटिंग बताती हूँ। अगर आपके फ़ोन का स्क्रीन बार बार ऑफ होता है तो आप उसका टाइम बढ़ा सकते हैं। यहाँ से स्क्रीन टाइम आउट पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आप अपने हिसाब से टाइम इंक्रीज़ कर सकते हो। तो गाइस, यहाँ 2 मिनट, 1 मिनट, 13 सेकेंड एंड 15 सेकेंड, 30 मिनट, अपने हिसाब से जो अच्छा लगता है आपको वो एडजस्ट कर सकते हो। तो गाइस, जैसे कि मुझे 2 मिनट का सेटअप करना है, उसके बाद बैक कर दोगे तो वो सेटअप हो जाता है। फिर से मैं आपको दिखाती हूँ 5 मिनट का, ऐसे बैक करोगे तो फिर से चेंज हो गया, देख सकते हैं। इस तरीके से आप सेटअप कर सकते हो। एंड गाइस, इस तरीके से स्क्रॉल करोगे नीचे तो आपको दिखता है माई टोन। यहाँ से आप स्क्रीन कलर सेटअप कर सकते हो। एंड लाइट, नाइट लाइट ऑन करते हैं तो ये थोड़ा ऑरेंज कलर का हो जाता है। सो गाइस, ये यूज़ कर सकते हैं उसके अंदर। एंड यहाँ से ऑटो रोटेट करने का ऑप्शन है, और इधर नेटवर्क स्पीड है। गाइस, इस तरीके से ऑफ होता है, इस तरीके से ऑन होता है। जब ऑन करोगे तो नेटवर्क स्पीड शो होता है। सो गाइस, इसे ऑन करने से ये होता है कि आप एक दिन का नेट कितना यूज़ कर लेते हो वो बताया जाता है इसको, मतलब ऑन करते हैं तब उधर शो होता है नंबर। सो गाइस, इस तरीके से आप जो है यूज़ कर सकते हो। अगर इस तरीके से ही आप स्क्रीन रिफ्रेश रेट सेट कर सकते हो। गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।